वेलकम बैक एस टू यूट्यूब चैनल समझ आया क्या। दोस्तों आज हम जानेंगे इंडियन नेवी MR की जो नौकरी होती है वो कैसे मिलती है। तो हम ए से लेकर जेड तक जानेंगे। काफी सारे लोगों ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे इसके बारे में पूछा था, तो चलिए आज हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए ये जॉब प्रोफाइल होता है, इसके अंदर तीन ट्रेड मिलते हैं। पहला है शेफ, दूसरा है स्टीवर्ड, तीसरा है जीनिस्ट। जब भी ये फॉर्म फिल किया जाता है तीनों का इकट्ठा ही होता है, आपको कौन सा ट्रेड मिलेगा ये कोई नहीं जानता है। अब बात करते हैं यहाँ पे ट्रेड की। आप बोलोगे ड्यूटी क्या है, वर्क क्या है। देखिए इसके लिए अलग से वीडियो है, आप वो देखिए। आज हम फोकस करेंगे कि नौकरी कैसे लेनी है। देखिए ये फॉर्म जून और दिसंबर मंथ में आता है, तो ये फॉर्म आपने इन मंथ में जरूर भरना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। डिफेंस की जॉब है, ऑल इंडिया लाइबिलिटी होती है, ऑल इंडिया ही आपकी एग्जाम लोकेशन भी आपको मिल जाती है, एडमिट कार्ड ऑनलाइन होता है आता है सॉरी। और कौन अप्लाई कर सकता है, ऑल इंडिया से अनमैरिड के लिए, याद रखिए अनमैरिड मेल कैंडिडेट। स्टीफन जो ट्रेनिंग के दौरान खर्चा होता है उसे कहते हैं स्टीफन, वो होता है 14,600 पर मंथ जो आपको मिलता है। पे बैंड पे स्केल क्या है, 21,700 से लेके 69,100 के बीच में, काफी अच्छा। आप बोलोगे 69 है या 21 है, देखिए इसी के बीच में बनता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, HRA डालते हैं, DA डालते हैं और एक्सपेंसिस डालते हैं, बहुत सारी चीजें मिलाकर आपकी सैलरी बनती है, जिसके लिए हमने वीडियो बनाई थी, वो वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ट्रेनिंग पीरियड कितना होता है, 15 हफ्तों का, और जॉब पीरियड 15 साल की। सिलेक्शन प्रोसेस बात करें तो रिटन टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है और मेडिकल टेस्ट होता है। दोस्तों रिटन और फिजिकल की तैयारी में दिमाग और बॉडी दोनों की बैंड बच जाती है, और गर्मियों में ये एग्जाम होता है तो दिमाग का गर्म होना, स्ट्रेस जो होता है एग्जाम का, वो कंसंट्रेशन होने ही नहीं देता। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। दोस्तों वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इस समस्या से बाहर निकलने के लिए योगा क्लासेस ज्वाइन करते हैं या तो मेडिटेशन करते हैं, लेकिन इतना टाइम कहां पे है यहां पे सबके पास। दोस्तों आपको मैं एक अच्छा सा तरीका बताता हूं जो कि आपके स्ट्रेस को भी दूर करेगा, कंसंट्रेशन भी बढ़ाएगा और आपको सुख भरी नींद भी देगा। मैं यहां पे बात कर रहा हूं नवरत्न ऑयल तेल की, जो कि बना है ब्राह्मी और अश्वगंधा जैसे 9 तत्वों से, जो कि आपके दिमाग को रखता है ठंडा और अग्रता को बढ़ाता है। तो अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखने के लिए, सुख भरी नींद पाने के लिए अपनाओ 2 मिनट की चंपी सोने से पहले, पढ़ाई और ऑफिस के बाद, ताकि आप रहें फ्रेश और आपके एग्जाम की तैयारी हो सके बेहतर। फिलहाल लेक्चर ज्यादा हो गया, चलिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया गया है। इसका जो एग्जाम होता है ना दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। नेगेटिव मार्किंग जी हाँ होती है इस एग्जाम के लिए। इसमें जो एग्जाम ड्यूरेशन होती है दोस्तों 30 मिनट होती है और टोटल क्वेश्चन 50 आ जाते हैं। एग्जाम जो आपका बेस होता है वो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास करना बहुत जरूरी है, जिसमें आपकी रनिंग 1.6 किलोमीटर की होती है 7 मिनट की, 20 स्क्वेट्स उठक बैठक होते हैं ये चीज याद रखिएगा, 10 पुशअप्स होते हैं। दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th पास होती है, एज लिमिट 17 से 20 साल होती है। एप्लीकेशन फीस दोस्तों 5 रुपया होती है, SC ST के लिए कोई भी फीस नहीं होती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो लोग करना चाहते हैं यहाँ पे आपको लिंक में मिल जाएगा। बाकी अपने आपको फ्रेश रखने के लिए, तरोताजा रखने के लिए नवरत्न आयुर्वेदिक तेल जरूर अपनाएं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो बाय कर लीजिएगा जिसका इंटरेस्ट होगा। अब हम बात करते हैं वीडियो को खत्म करने की, मिलता हूँ आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। समझ आया क्या।